हम लोग पढ़ रहे थे रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी का यूनिट और प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएटेड पार्टिकल्स यानी अल्फा बीटा गामा का प्रॉपर्टीज। आज देख रहे हैं हम लोग टॉपिक कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है। कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी आज का हेडिंग है, कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, या इसी को आप कहेंगे थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन ये थ्योरी 1903 में, 1903 में रदरफोर्ड और सोडी के द्वारा दिया गया। रदरफोर्ड एंड सोडी, इनके द्वारा ये थ्योरी दिया गया कि कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है, यानी थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन किसको कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे इसको समझने के लिए। हम लोग एन बाई पी रेशियो को समझते हैं। एन बाई पी रेशियो क्या है? तो यहाँ पे एन बाई पी रेशियो को जानना है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको यहाँ से, और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से इसको सुनेंगे। एन बाई पी रेशियो ये क्या है, जहाँ एन न्यूट्रॉन है और पी प्रोटॉन है। एन बाई पी रेशियो से ही हम इस बात को समझ पाते हैं कि किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस से अल्फा इमिट होगा या बीटा होगा या गामा होगा, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन का ये कॉन्सेप्ट है कि एक न्यूक्लियस से एक ही बार में कोई दो नेचर का पार्टिकल इमिट नहीं हो सकता, या तीनों पार्टिकल इमिट नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से अल्फा बीटा का इमिशन, या बीटा गामा का इमिशन, या अल्फा गामा का इमिशन, या अल्फा बीटा गामा का इमिशन, ये इस तरह का इमिशन नहीं हो सकता। कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस या तो अल्फा इमिट करेगा या बीटा या गामा। हाँ, यह संभव है कि एक न्यूक्लियस एक बार में अल्फा किया, जो डाउटर न्यूक्लियस फॉर्म किया वो फिर अल्फा इमिट कर दे, फिर उसके बाद जो डाउटर बना वो फिर अल्फा इमिट कर दे। हो सकता है कि मोर देन वन टाइम्स एक सिंगल न्यूक्लियस जो बार बार अल्फा ही इमिट करके नए नए डाउटर्स का फॉर्मेशन करे। और एक कॉन्सेप्ट आपको रेडियो एक्टिविटी का ये भी जानना चाहिए कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन तब तक होते रहता है न्यूक्लियस का, जब तक कि स्टेबल डाउटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन ना हो जाए। तो आज हम यही समझना चाह रहे हैं कि कोई एलिमेंट अगर हमको दे दिया और पूछा गया कि इस एलिमेंट के न्यूक्लियस से अल्फा इमिट होगा या बीटा या गामा, तो हम ये कैसे पहचानेंगे। उसी को पहचानने के लिए यहाँ एन बाई पी रेशियो को जानना होगा कि एन बाई पी रेशियो क्या है। इस रेशियो को जानने से पहले हम ये समझ लें कि यदि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 83 से कम है, यानी लेस देन 83 है, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यदि 83 से कम है, इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर 83 से कम है, ये सब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा।
आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 83 से क्या हो, कम हो, ये दिमाग में रखना है, क्योंकि इसमें जरूरत है हमको एन बाई पी रेशियो को जानने के लिए इसकी आवश्यकता है कि अगर एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का 83 से कम है तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ऑलमोस्ट एलिमेंट 83 से कम एटॉमिक नंबर वाला रेडियो एक्टिव है, आर्टिफिशियली आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। दूसरा पॉइंट ये दिमाग में रखना है कि एटॉमिक नंबर अगर 83 से बड़ा या 83 के बराबर, एटॉमिक नंबर 83 से बड़ा या बराबर, तो ये सब जो एलिमेंट है ये नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, नेचुरल रेडियो एक्टिव। और एक चीज ये ध्यान रहे कि यहां पे 83 से बड़ा जब हम लेंगे, 83 से बड़ा जब हम लेंगे तो यहां पे 92 तक हम लोग कंसीडर करते हैं। कहां तक? 92 तक। एटॉमिक नंबर 83 से बड़ा और बराबर कहां तक लेते हैं? 92 एटॉमिक नंबर तक लेते हैं। तो ये जो है नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ये सब क्या है? नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। 83 से बड़ा एटॉमिक नंबर या बराबर कहां तक? 92 तक। ये सब क्या है? नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो अब यहां पे देखिए कि अब कंडीशन हमारे सामने, ये तो दिमाग में रखना है, एकदम फिट रहना चाहिए एन बाई पी रेशियो को जानने के लिए। अब देखिए यहां पे कॉन्सेप्ट ये है आपका, कॉन्सेप्ट ये है, ये तो हेडिंग था, कॉन्सेप्ट है आपका कि 83 से कम एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के लिए, है ना? तो एक पॉइंट यहां ध्यान रखें, फॉर द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर लेस देन 83, क्लियर है? फॉर द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर लेस देन 83 से कम वाले एलिमेंट के लिए जिसका एटॉमिक नंबर 83 से कम, उस एलिमेंट के लिए यदि n बाई पी का रेशियो, n बाई पी का रेशियो, ये रेशियो अगर 1 के बराबर आ जाता है, किसके बराबर? 1 के बराबर आ जाता है अगर n बाई पी रेशियो, न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का जो रेशियो है, ये अगर 1 के बराबर आ जाता है किसके लिए? 83 से कम एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के लिए। तो इसका मतलब समझ लें आप कि स्टेबल न्यूक्लियस है। क्या है? स्टेबल न्यूक्लियस है। अगर n बाई पी का वैल्यू 83 से कम एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के लिए 1 के बराबर आ जाए, इसका मतलब है न्यूक्लियस स्टेबल है और उस न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा इमिशन नहीं होगा। अब कंडीशन यहां पर देखिए कि यदि 1 से छोटा है ना, या 1 से बड़ा एन बाई पी का वैल्यू आता है एटॉमिक नंबर 83 से कम वाले एलिमेंट के लिए, 83 से कम एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के लिए यदि n बाई पी का वैल्यू 1 से बड़ा
या वन से छोटा आता है, वन से बड़ा या वन से छोटा आता है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी नहीं होगी, मतलब न्यूक्लियस यहां क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को ये बताता है, ये जो रेंज है ये बताता है आपको इनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये जो रेंज है, अगर वन आ गया तो स्टेबल, और अगर वन से छोटा या वन से बड़ा आ गया तो इनस्टेबिलिटी है, यानी न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है। अब हम यहां भी अभी डिसाइडेड नहीं है कि यहां पे अल्फा इमिट करेगा कि बीटा या गामा, अभी भी हम यहां डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि इसमें दो सिचुएशन दिख रहा होगा आपको, या तो वन से बड़ा या वन से छोटा, दो सिचुएशन है। तो अब आप यहां जानिए कि इसमें अब दो कंडीशन आ गया, इसमें अब दो कंडीशन आ गया, यदि n बाई पी का वैल्यू, तो कंडीशन नंबर ए, ए में देखिए कि इफ n बाई पी ग्रेटर देन वन, ये सब बात किस एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के लिए हो रहा है, तो 83 से कम एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के लिए ये सब बात हो रही है। तो यहां दो सिचुएशन है कि n बाई पी वन से बड़ा होगा और फिर n बाई पी वन से छोटा होगा। तो हम एक कंडीशन देख रहे हैं, पहला ए में कि यदि n बाई पी वन से बड़ा है, तो कंडीशन दिमाग में यहां रहे कि अगर n बाई पी का वैल्यू वन से बड़ा आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है उससे बीटा इमिशन ही होगा, ये फिक्स है। ऐसे न्यूक्लियस से अल्फा या गामा का इमिशन नहीं होगा। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये दिमाग में रखना है कि एटॉमिक नंबर सबसे पहले देख लेना है एलिमेंट का कि 83 से कम है कि ज्यादा। अगर कम है तो ये फिक्स हो गया कि अगर स्टेबल न्यूक्लियस हमको देखना है तो NYP का वैल्यू 1 आना चाहिए, और यदि 1 नहीं है, 1 से बड़ा है, तो बीटा इमिशन होगा, ये फिक्स है। तो बीटा इमिशन आकर्ष, ये दिमाग में फिट रखना है। अब जैसे देखिए यहां पे हम बात करते हैं C6-14, ये एक एलिमेंट, देखिए एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब वो जो 83 है उससे कम है एटॉमिक नंबर ना। अब देखिए n का वैल्यू 14 6 8 और p का वैल्यू 6, तो n बाई पी का वैल्यू 8/6 ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा आ गया। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ दे कि C6-14 है, C6-14 से किस पार्टिकल का इमिशन होगा, बीटा का, अल्फा का, गामा का, किसका, तो ये देखते ही कि n बाई पी का वैल्यू यहां पर 1 से बड़ा आ रहा है, 1 से ही कंपेयर करेंगे क्योंकि कंडीशन बताया हुआ है कि 83 से कम एटॉमिक नंबर वाले के लिए अगर स्टेबिलिटी देखना है तो n बाई पी का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहां 1 से क्या आ गया, बड़ा आ गया। अगर बड़ा आ गया तो क्या इमिशन होगा, बीटा। तो यहां पे इसका न्यूक्लियर रिएक्शन लिखेंगे, बीटा पे चार्ज -1, मास 0। तो क्लियर है कि ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया नाइट्रोजन 7-14, ये हो गया न्यूक्लियर रिएक्शन। C6-14 जो ये देख रहे हैं आप, जो बीटा इमिट किया, इसको पैरेंट न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, ये पैरेंट न्यूक्लियस है, और ये जो फॉर्म किया बीटा इमिशन के बाद, इसको क्या कहेंगे,
डाउटर न्यूक्लियस, क्लियर है, ये डाउटर न्यूक्लियस है, क्लियर। तो यहां पे बीटा इमिट होगा, ये कंफर्म, इसलिए कि एन बाई पी का वैल्यू यहां पे 1 से बड़ा है, इसलिए, और एटॉमिक नंबर 83 से छोटा है, इसलिए यहां क्या होगा, बीटा इमिट करेगा। एक एग्जांपल अब देखिए यहां पे, तो अब देखिए एक चीज यहां कि इसमें n बाई पी का वैल्यू क्या हो गया, तो n हो गया 14 से 7 गया 7 और प्रोटॉन भी 7, n बाई पी का वैल्यू 1, यानी ये न्यूक्लियस क्या हो गया, स्टेबल हो गया, और ये क्या था, इनस्टेबल था और ये स्टेबल, क्लियर है। इस तरह से हम पहचानेंगे कि ये क्या इमिट करेगा न्यूक्लियस। अब देखिए जरा यहां एक एग्जांपल और देखिए, जैसे हम कहें आपको कि AU है गोल्ड 79 और 194, इससे क्या निकलेगा, यानी बीटा इमिट होगा कि अल्फा इमिट होगा, कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना 79, 83 से कम या ज्यादा, कम। तो अब देखना है n बाई पी का वैल्यू, तो इसका n क्या हो गया, 14 से 9 गया 5 और यहाँ पे 8 से 7 गया 1 और 1 115 और p का वैल्यू 79, तो n बाई पी वैल्यू, n बाई पी का वैल्यू 115/79। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, क्लियर है। अगर ग्रेटर देन 1 आ गया तो क्या इमिट होगा, बीटा, क्लियर है, यहां से बीटा इमिशन होगा। और इसका न्यूक्लियर रिएक्शन क्या लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, 79 में 1 ऐड हो जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्शन में हमेशा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को ही बैलेंस करते हैं, किसको, एटॉमिक नंबर को और एटॉमिक मास को। अभी आप पढ़ रहे हैं कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यानी थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडिएशन या इमिशन। तो यहाँ पे ये जो पढ़ रहे हैं इसमें आगे आप पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस, अभी हम उस डिफरेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं, बस हम आपको बता रहे हैं कि एक बात यहाँ स्पष्ट है, क्लियर है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में हमेशा एटॉमिक नंबर बैलेंस करते हैं और एटॉमिक मास बैलेंस करते हैं, दोनों साइड का एटॉमिक नंबर बैलेंस रहना चाहिए, एटॉमिक मास बैलेंस रहना चाहिए। एलिमेंट तो बदल ही जाएगा क्योंकि न्यूक्लियर फेनोमेना है ये, तो जब न्यूक्लियर फेनोमेना है, न्यूक्लियस से लॉस होना है, तो प्रोटॉन जैसे ही चेंज होगा तो एलिमेंट चेंज कर जाएगा, जो कि केमिकल रिएक्शन में नहीं होता है, केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट नहीं बदलता है, न्यूक्लियस चेंज नहीं होता है, और न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस बदलता है, क्योंकि न्यूक्लियस यहां इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में, एलिमेंट बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा एलिमेंट। तो यहां 79 और प्लस 1 80, क्या लिखिएगा, Hg का एटॉमिक नंबर 80 और एटॉमिक मास 194 प्लस 0, तो 194, इमिशन क्या होगा, बीटा का। अगर ये न्यूक्लियस स्टेबल हो गया, NYP का वैल्यू 1 के बराबर आ गया, तो फिर ठीक है, नहीं तो फर्दर फिर इमिशन होगा, आगे फिर आप दिखा सकते हैं इसका इमिशन, फिर NYP निकालेंगे और NYP निकाल कर देखेंगे कि NYP बड़ा आ रहा है 1 से कि छोटा आ रहा है, अगर बड़ा आ रहा है तो फिर बीटा इमिशन आगे भी दिखाते जाएंगे। यानी एक न्यूक्लियस एक ही बार इमिट करेगा बीटा, ऐसा नहीं है, एक से अधिक बार बीटा इमिट कर सकता है, एक से अधिक बार अल्फा इमिट कर सकता है। जब तक उसको स्टेबल डाउटर न्यूक्लियस नहीं मिल जाए तब तक इमिशन होता रहेगा, इसी को कहते हैं हम लोग
ये जो सीरीज है रेडियो एक्टिविटी का वो एक सीरीज फॉर्म करता है रेडियो एक्टिविटी का, तो सीरीज ऑफ रेडियो एक्टिविटी इसे फॉर्म करता है। तो यहाँ पे हम लोग एन बाई पी का जो वैल्यू देख रहे हैं ये 1 से बड़ा आ गया, इसलिए बीटा इमिशन होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और हम आपको दें, ये समझ रहे हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल ये, जैसे कहा जाए कि कॉपर 29 है और 63, 63 कहा जाए कि कॉपर के इस न्यूक्लियस से, कॉपर के न्यूक्लियस से जिसका एटॉमिक नंबर ये, एटॉमिक मास ये है, बीटा इमिट करेगा कि अल्फा करेगा कि गामा करेगा। तो सिंपल, सबसे पहले एन निकालिए, 13 9 4 और 5 2 3, क्लियर है। और पी का वैल्यू 29, एन बाई पी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा क्योंकि 34/29 लिखिएगा। 1 से बढ़ाया, एटॉमिक नंबर 83 से कम है, क्या इमिट होगा? बीटा। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 29 31 और 63, तो इससे हम पहचान लेंगे कि कॉपर से क्या इमिट होगा? बीटा। तो ये एग्जाम्पल था कब, जब एन बाई पी का वैल्यू बड़ा हो 1 से, क्लियर। अब देखिए बी का कंडीशन, ये ए में बताया, अब बी में आ जाइए। तो बी में एन बाई पी का वैल्यू अगर 1 से छोटा हो, बी में आ जाइए, इफ एन बाई पी लेस देन 1, एन बाई पी लेस देन 1, 1 से छोटा हो तो क्या इमिट होगा? तो अब देखिए एटॉमिक नंबर 83 से कम है, कम वाले के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यानी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस या फिर नेचुरल, तो आर्टिफिशियल के लिए बात कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे ये कंडीशन दिमाग में रखना है, 83 से कम एटॉमिक नंबर यानी किस न्यूक्लियस की बात हो रही है, तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस की बात हो रही है, क्लियर है। आर्टिफिशियल हम यहां लिख दिए, लेकिन आपको तो एटॉमिक नंबर देखकर समझ लेना है कि आर्टिफिशियल है या नेचुरल है। अगर 83 से कम एटॉमिक नंबर है तो ऑलरेडी आर्टिफिशियल है, क्योंकि यहां पर इस कंडीशन को दिमाग में रखना जरूरी है, क्योंकि इसी कंडीशन पे आधारित बात है कि एन वाई पी का वैल्यू अगर 1 से छोटा हो और एटॉमिक नंबर 83 से कम, यानी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हो, तो इस जगह पे इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग, इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग को ही के इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग भी कहते हैं, के इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग। के यहां क्यों लिखते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो कैप्चर्ड होता है न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिट में, ये न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियर फेनोमेना है, तो न्यूक्लियस का जो पास का ऑर्बिट है, पास का जो सेल है एकदम जस्ट नजदीक का, वो के। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग सिर्फ लिखें या के इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग लिखें, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार आपको के इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग करके कह देता है, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग अलग है और के इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग अलग है, नहीं, दोनों एक ही टर्म है। तो के इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग, या फिर इसको क्या पढ़ते हैं, ई माइनस को आप इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, ई प्लस को पॉजिट्रॉन पढ़ते हैं, तो इसको पॉजिट्रॉन लिख दें, पॉजिट्रॉन इमिशन, पॉजिट्रॉन इमिशन। इन दोनों घटनाओं को देखें आप तो दोनों सेम घटना है, जो इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग में न्यूक्लियर रिएक्शन होगा वही न्यूक्लियर रिएक्शन पॉजिट्रॉन इमिशन में होगा, दोनों सेम घटना है, एक ही तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन दोनों देगा।
लेकिन आप समझ लें, आपके समझने के लिए ये दिमाग में रखना जरूरी है आपको कि अगर एनवाईपी का वैल्यू 1 से छोटा हो, 83 से कम एटॉमिक नंबर वाले के लिए, यानी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग होगा या पॉजिट्रॉन इमिशन होगा या लिखा हुआ, और ये करें चाहे ये करें, बात एक ही है। अब देखिए, जैसे हम कहते हैं यहां पे कि कार्बन 6-13 है और ये एटॉमिक नंबर देखिए 83 से कम है। अब कहा जाए आपसे कि 6-13 एक एलिमेंट है, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, इससे कौन सा पार्टी के लिमिट करेगा बताइए। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑप्शन दिया रहता है आपको, तो तुरंत यहां आप एन निकालेंगे तो 13 से 6 गया 7 हो गया, और यहां पे पी का वैल्यू तो ये बड़ा वैल्यू आ जाएगा, 13 नहीं लीजिए 11 कर दीजिए, क्योंकि एन छोटा आना चाहिए तब ना एन वाई पी का वैल्यू 1 आएगा, तो 11 कर लेते हैं। तो एन का वैल्यू क्या हो गया, 11 से 6 गया 5, पी का वैल्यू क्या हो गया 6, एन बाई पी निकालिएगा तो एन बाई पी देखिए ये न्यूमेरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 6 है, तो न्यूमेरेटर जैसे ही छोटा हुआ डिनोमिनेटर बड़ा हुआ, तो एन बाई पी का वैल्यू 1 से छोटा आ जाएगा, क्लियर है। तो जैसे ही एन बाई पी का वैल्यू 1 से छोटा आ गया तो यहां पे आप क्या करवाइएगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग या पॉजिट्रॉन इमिशन। तो यहां न्यूक्लियर रिएक्शन आप लिखेंगे क्या, C6-11, और अगर इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग करना है आपको तो कैप्चर करना मतलब ऐड करना, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए -1, 0, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब 6 से 1 चला जाएगा, तो बी बोरोन 5 और प्लस माइनस माइनस, तो 11 से 0 घटाइएगा 11, ये हुआ इलेक्ट्रॉन कैप्चर। और अगर पॉजिट्रॉन इमिशन का केस दिखाना है आपको, पॉजिट्रॉन इमिशन, तो यहां देखिए आप लिखेंगे माइनस पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन को +1, 0 लिखते हैं, ई +1, 0 लिखते हैं पॉजिट्रॉन को, तो यहां प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 से 1 माइनस हो जाएगा, बोरोन 5, और फिर माइनस है तो 11 से 0 गया 11। देखिए सेम डाउटर एलिमेंट मिला ना, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, पॉजिट्रॉन इमिशन मतलब पॉजिट्रॉन माइनस करना है, घटाना है, क्लियर है। और दोनों से सेम डाउटर न्यूक्लियस मिलेगा, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर रिएक्शन एक ही है, एक ही तरह है, इसलिए यहां लिखे इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग होगा या पॉजिट्रॉन इमिशन होगा, किस केस में, जब एन बाई पी का वैल्यू लेस देन 1 हो और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 83 से कम हो, यानी एलिमेंट आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव। यह स्पष्ट हो गया, इस तरह से हमको पहचानना है। अब देखिए एक छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, जरा इसको समझिए, ये समझ गए। अब देखिए जरा से यहाँ, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी से, न्यूमेरिकल जो पूछना होता है वो केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड करके पूछ देता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इस चैप्टर से रहता ही है। तो यहां देखें, अगर हमसे कहा जाए कि C6-11 और B5-11 ये दो न्यूक्लियस आपके सामने हैं, इन दोनों में कहा जाए कि एन बाई पी का वैल्यू, तो एन बाई पी का वैल्यू यहां 5/6 मतलब <1/1, और इस केस में कहा जाए कि एन बाई पी का वैल्यू, तो 11 से 5 गया 6, यानी 6/5 > 1,
दोनों सिचुएशन में न्यूक्लियस तो स्टेबल नहीं हुआ, क्योंकि एन वाई पी का वैल्यू अगर वन से बड़ा हो जाए तब भी इनस्टेबिलिटी है, और वन से छोटा हो जाए तब भी इनस्टेबिलिटी है। तो मतलब यहाँ पे एन वाई पी वन से छोटा यानी ये स्टेबल नहीं है, वन से बड़ा यानी ये भी स्टेबल नहीं है। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये अराइज किया जाए कि इन दोनों में कंपैरेटिवली कौन स्टेबल है ज्यादा, ये बताइए। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इन दोनों न्यूक्लियस में कंपैरेटिवली कौन ज्यादा स्टेबल है ना। तो यहां देखें, विच वन ऑफ द बोथ इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, इन दोनों में तुलनात्मक स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, ये हमको पहचानना हो तो हमको यहां पे देखना चाहिए कि n किसका बड़ा है, n ग्रेटर देन p। यहां देखिए n ग्रेटर देन क्या है, p, n का वैल्यू 6 और p का वैल्यू 6 ए 5 है। यहां देखिए n का वैल्यू क्या है, 5 है, p का वैल्यू 6 है, n यहां लेस देन p है और यहां n ग्रेटर देन p है, तो जिसका n बड़ा हो वो ज्यादा स्टेबल है, जिसका n बड़ा हो न्यूट्रॉन बड़ा हो वो ज्यादा स्टेबल है। इसलिए ध्यान रहे कि B5-11 C6-11 से ज्यादा स्टेबल है, ये आपका जवाब होगा। तो एक केस हम लोग देखे आज, फिर हम लोगों के सामने दूसरा केस आने वाला है कि एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 या इक्वल टू 83 हो तो उस सिचुएशन में हम कैसे समझेंगे कि न्यूक्लियस से कौन सा पार्टिकल इमिट होगा, ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।